वेलकम टू शेयरिंग नॉलेज चैनल दिस इज़ आयशा आज के इस वीडियो में मैं इखनऊ के इंग्लिश कोर्स बी ई जी एल ए वन थर्टी एट रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के यूनिट वन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बट इसके पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मेरे सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट्स बनाने के लिए तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने अब तक के अपने सभी वीडियोस की जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं सबकी प्लेलिस्ट्स बना दी हैं और फिलहाल मैंने जो है फोर प्लेलिस्ट्स बनाई हैं ये सब्जेक्ट वाइज हैं प्लेलिस्ट इंग्लिश साइकोलॉजी सोशोलॉजी और साइंस की ये चार प्ले बनाई है तो जैसे अगर आप इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो मैंने अब तक जितने भी इंग्लिश के वीडियोज अपलोड किए हैं इंक्लूडिंग दिस वन वो आपको इस प्ले में मिल जाएगा उसी तरह से अगर आप साइकोलॉजी या सोशोलॉजी के प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी मैंने साइकोलॉजी या सोशोलॉजी के वीडियोज डाले हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे तो आपके लिए अब मेरे वीडियोज़ जो है अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं जो आपसे मिस आउट हो गया या नहीं देख पाए या आपने अभी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखा है तो आपको अब मेरे वीडियोज में दिखाई नहीं होगी अक्सर होता है ना मैं पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन करते वक्त बोलती हूँ कि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हालांकि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ बट स्टिल अब प्ले है तो अब आपको मेरे सारे वीडियोज एक जगह पे देखने को मिल जाएंगे और आपके लिए ढूंढना जो है वो ईजी हो जाएगा वीडियोज को तो आइए चले स्टार्ट करते हैं ये यूनिट वन को आ, इसमें जो है आ, ये है आपके चैप्टर का नाम द रीडिंग प्रोसेस और इसमें जो है मॉडर्न क्लास रूम है ना क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है क्या होता है हम सभी को अच्छे से मालूम है तो उसी के बारे में बताया गया है एक क्लासरूम एनवायरनमेंट का जो है एक ओवरव्यू दिया गया है जिसमें बताया गया है कि क्लासरूम में चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड हो एक टीचर या ट्यूटर होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें से एक आप भी हो सकते हैं अगर आप उस क्लासरूम का एक हिस्सा हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो लर्निंग है ये दो बार होती है ये जो लर्निंग प्रोसेस है यानी कि ये जो है ये दो बार होता है फर्स्ट टाइम ये लर्निंग प्रोसेस कब होता है पहली बार जो है वो सोशल लेवल पर होता है लर्निंग प्रोसेस जहाँ पर आप जो है बाकी स्टूडेंट्स के साथ टीचर से कुछ सीखते हैं क्लास में है ना चाहे ऑनलाइन क्लास हो या चाहे ऑफलाइन क्लास हो इट डजेंट मैटर तो पहला जो है वो सोशल लेवल होता है जहाँ पर हम और स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स से कुछ सीखते हैं इसे जो है साइकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं साइकोलॉजिकल ओके और दोबारा जो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये इंडिविजुअल लेवल पर होता है जहां पर जो लर्निंग प्रोसेस है या जो लर्निंग है वो कहाँ होती है आपके अंदर होती है यानी टीचर ने जो भी पढ़ाया या समझाया उसको आप फिर से पढ़कर खुद समझने की कोशिश करते हैं तो ये क्या कहलाता है इंडिविजुअल लेवल या इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल पहले वाले को साइकोलॉजिकल लेवल कहते थे आई एन टी ई आर और ये जो है इंट्रा आई एन टी आर ए इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल कहलाता है जहाँ पर हम पढ़ाई हुई चीज को जो भी टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया है उसको हम खुद समझने की कोशिश करते हैं तो ये दो लेवल पर लर्निंग जो है होती है दो लेवल पर हम सीखते हैं पहला सोशल या साइकोलॉजिकल दूसरा इंडिविजुअल या इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये जो मेरा वीडियो देख कर लेसन को जो समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ रहे हैं तो ये कौन से लेवल की लर्निंग है बताइए आप लोग मैं यहां पे पॉज ले लेती हूं ठीक है अगर जिन्होंने सही आंसर दिया होगा तो ये कौन सा लेवल है इंटर साइकोलॉजिकल या सोशल लेवल है ठीक है अभी आप मेरा जो भी लेक्चर है या जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, उसको सुन रहे हैं है ना तो ये इंटर साइकोलॉजिकल या सोशल लेवल है लेकिन जब आप मेरे इस वीडियो को सुनकर समझकर अपनी बुक खोलकर बैठेंगे उसको पढ़कर फिर से और समझने की कोशिश करेंगे तो ये कौन सा लेवल कहलाएगा ये इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल या इंडिविजुअल लेवल कहलाएगा या वो स्टूडेंट्स जो कि इग्नू स्टूडेंट्स नहीं हैं और जो जिनके पास बुक नहीं है और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए तो वो क्या करेंगे जब यानी कि वो स्टूडेंट्स जब मेरे वीडियो को सुनकर ख़ुद इसको समझने की कोशिश करेंगे फिर से या जो मैंने समझाया उसको अपने वर्ड्स में जब पुट अप करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कहलाएगा इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल कहलाएगा या इंडिविजुअल लेवल कहलाएगा अब ये जो क्लासरूम जो सिचुएशन है इसको कई मेटाफोस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है ठीक है मेटाफोस भी मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी क्या होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं तो इसको जो है कई मेटाफर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है जो पहला मेटाफर है वो क्या कहा गया है इसको द क्लास रूम एज एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी मैं लिख दे रही हूं द क्लास रूम एज एक्सपेरिमेंटल को मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ लेबॉरटरी को भी मैंने शॉर्ट में ही लिखा है द क्लास रूम एज एक्सपेरिमेंटल लेबॉरटरी ठीक है तो ये मेटाफर जो है यानी कि यहाँ पर जो क्लासरूम को है उसको एक एक्सपेरिमेंटल लेबॉरट्री से क्या किया गया है कंपेयर किया गया है ठीक है या एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बताया गया है या कंपेयर किया गया है ये बात जो है ये कहाँ से ली गई है कहाँ से डिराइव्ड है ये मेटाफर ये जो स्टीफन क्राशन जो कि एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है लिंग्विस्ट यानी जिसको फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज हो या फॉरन लैंग्वेज की समझ हो उन्होंने अपनी बुक सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि लोगों को सेकेंड लैंग्वेज पढ़ने में क्या दिक्कतें आती हैं या क्या होता है तो उनकी इस बुक से जो है ये डिराइव्ड है ये जो मेटाफर है तो इसमें क्लासरूम को क्या बोला गया है एक एक्सपेरिमेंटल लैब से कंपेयर किया गया है और टीचर को क्या बताया गया है टीचर को एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट के जैसा बताया गया है जिसके शोल्डर्स पर जिसके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि लर्नर्स को किसी सब्जेक्ट या लैंग्वेज को आसान करके समझाना यानी लर्निंग में लर्नर्स की क्या करना हेल्प करना यहाँ पे लर्नर्स से मतलब स्टूडेंट्स ठीक है तो लर्निंग को उनके लिए और इजी बनाना यानी ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसको स्टूडेंट्स के लिए और इजी बनाना और पॉजिटिव लर्निंग बिहेवियर्स को स्टूडेंट्स के अंदर री या सपोर्ट करना और स्टूडेंट्स को जो है रीडिंग के लिए क्या करना एनकरेज करना है ना जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी समझ जो रीडिंग समझ है उस उसमें आपका क्या होगा डेवलपमेंट हो गया ना उतनी ज्यादा आपकी समझ और क्या होगी बढ़ती जाएगी अभी मैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो ये बात इन्होंने बताई थी चले यहाँ पर रीडिंग के लिए एनकरेज करने की बात आई है तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग को भी मैं कहूँगी कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की जो जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है या जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है वो जो है शुरुआत करें ये जो बच्चों के लिए जो स्टोरी बुक्स होती है फ़िफ्थ ग्रेडर्स या सिक्स ग्रेडर्स जो इंग्लिश में स्टोरी बुक्स होती हैं बहुत से अच्छे राइटर्स की मिल जाती हैं है ना जिनमें से रस्किन बॉन्ड हैं जो कि मेरे एक फेवरेट राइटर हैं उनकी बहुत सी बच्चों की कहानियाँ हैं जो इजी लेवल मतलब थोड़ी इजी लेवल की जिसमें इंग्लिश दी हो ऐसा ना हो कि हर लाइन में आपको चार पांच वर्ड का अगर मीनिंग ढूंढना पड़ रहा है तो फिर आपको रीड करने में मज़ा नहीं आएगा ना बीच में एक आ, क्या कहना चाहिए इंटरप्ट होगी आपकी जो रीडिंग है कि बार बार आपको डिक्शनरी में देखना पड़ रहा है तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि आप दो तीन लाइन्स तो आराम से पढ़ सकें बिना डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढे है ना तो जो इजी लेवल की हो वहाँ से आप जो है शुरुआत करें और जिनकी इंग्लिश अच्छी है जिनको इंग्लिश आती है तो वो जो है थोड़े हाई लेवल की इंग्लिश की बुक्स कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं यहाँ पर नोवेल का जिक्र निकला है तो मैं एक मेरी फेवरेट नावल बताऊंगी जो कि सिडनी शेल्डन की, की नावल है और जिसका नाम है द जूम्स डे कॉन्स्पिरसी Uh, मुझे बहुत ही अच्छी नोवेल लगी आई डोंट नो आपको कैसी लगेगी अगर आप आप चाहें तो आई थिंक ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है तो अगर आप चाहें तो इसको खरीद के पढ़ सकते हैं बट मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आ, ये जो है एक थ्रिलर थ्रिलर सस्पेंस नोवेल है है ना तो अगर आप में से कोई लोग हैं जो रोमांटिक नोवेल पढ़ने के शौकीन हैं तो उनको हो सकता है नोवेल बहुत बोरिंग लगे और कुछ भी मज़ा ना आए तो मतलब जिनको हाँ थ्रिलर का शौक है थ्रिलर सस्पेंस पढ़ना जिन्हें अच्छा लगता है उनके लिए ये नोवेल अच्छी होगी क्योंकि हो सकता है कि मुझे पसंद आई जरूरी नहीं है आपको भी उतनी ही अच्छी लगे तो बाद में आप ये ना बोलें कि मेरे कहने पर आपने ख़रीदी एंड देन ये तो बेकार नोवेल है क्योंकि फोर फाइव हंड्रेड पेजेस की है अच्छी खासी थिक नोवेल है बट मुझे काफ़ी पसंद आई और मुझे इतनी पसंद आई कि ये नोवेल मैंने पूरी काफ़ी सालों पहले पढ़ी थी और मैंने तीन दिन में पूरी नोवेल पढ़ के ख़त्म कर दी 400 500 जितने भी पेजेस थे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं हर वक्त उसी को पढ़ा करती थी और इतने अच्छे स्टाइल में लिखा है कि एक पर जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाते हैं ना क्यूरियोसिटी डेवलप होती जाती है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट तो आप पेजेस पर पेजेस टर्न करते जाते हैं मतलब ईजिली छोड़ नहीं पाते एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको तो तो ये थी सिडनी शेल्डन की नोवेल द डूम्स डे कॉन्स्पेरेसी बट अगेन मैं कहूंगी सिर्फ उन्हीं लोग वही लोग खरीदें अगर आप खरीद के पढ़ रहे हैं जिनको थ्रिलर या सस्पेंस का शौक है जिनको रोमांटिक नोवेल या दूसरे तरह के नॉवेल्स पसंद है तो उनको शायद ये उतनी अच्छी ना लगे दिस वॉज माई फेवरेट तो इस लिए मैंने बता दिया आपको ऐसे ही ठीक है अब आगे आते हैं बैक टू द टॉपिक तो मैंने बताया था कि इसको जो है मेटाफर्स में जो है बताया गया है पहला मेटाफर मैंने बताया था कि इसको जो है एक्सपेरिमेंटल लैब से कंपेयर किया गया था और टीचर को जो है एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट से कंपेयर किया गया था जिसके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चे जो भाषा या लैंग्वेज सीख रहे हैं उनको आसान करके समझाना या उनकी समझने में हेल्प करना और उनके अंदर रीडिंग उनको रीडिंग के लिए एनकरेज करना क्योंकि आप जब दूसरे राइटर्स को पढ़ते हैं तो आपको नई भी पता चलती है साथ ही साथ आपको भी मिलता है कि हाँ इस बात को हम कैसे या जो भी मैंने साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं तो इसलिए रीडिंग के लिए एनकरेज करना अब आते हैं जल्दी से सेकेंड मेटाफर पे वीडियो ऑलरेडी साढ़े ग्यारह मिनट का हो चुका है सेकेंड मेटाफर जो था उसको द क्लास रूम एज क्लास रूम को किससे कंपेयर क्या कहा गया है डिस्कोर्स ठीक है द क्लास रूम एज डिस्कोर्स डिस्कोर्स यानी कम्युनिकेशन या डिस्कशन तो इसमें बताया गया है कि टीचर एंड स्टूडेंट्स या लर्नर्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और ये मेटाफर जो है वो टीचर स्टूडेंट के बीच होने वाली टॉक या डायलॉग जो कि किसी पैसेज या टेक्स्ट के पढ़ने के बाद शुरू होता है उस पर फोकस करता है है ना यानी कि जब आपने छोटे क्लासेस में भी आपको याद होगा जब आपको क्लास रूम में खड़े होकर के रीडिंग करवाई जाती थी तो फिर टीचर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते थे ना कि ये पैसेज क्या है है ना या आपसे पूछते थे कि आपने इतना रीड किया तो आपके क्या समझ में आया तो ये जो डायलॉग्स या ये जो कॉन्वर्सेशन है जो किसी पैसेज या टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो शुरू होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच ये जो कम्युनिकेशन या वाद इस पर फोकस करता है सेकेंड मेटोफर द क्लासरूम एस डिस्कोर्स उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं थर्ड मेटोफर थर्ड मेटोफर जिसमें कि क्लासरूम को कहा गया है एस कोरल गार्डन्स द क्लासरूम एज कोरल गार्डन्स ठीक है अब कोरल्स ये जो है मेलिनोसकी की स्टडीज से डिराइव्ड है अब कोरल्स क्या होते हैं मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कोरल्स जो होते हैं ये एक तरह के सी एक तरह के क्या एक्चुअली में एक सी एनिमल्स होते हैं जो कि दिखने में कैसे दिखते हैं कलरफुल प्लांट्स जैसे लगते हैं जैसे आपने अक्सर डिस्कवरी या नेशनल जोग्राफिक चैनल पे देखा होगा जब सी डाइवर्स समंदर के अंदर जाते हैं तो अंदर की दुनिया कितनी रंगीन सी दिखती है ना कैसे रंग बिरंगे पेड़ पौधे से अंदर नजर आते हैं तो ये कोरल्स जो है ये ऑल दो में कलरफुल प्लांट जैसे दिखते हैं लेकिन ये प्लांट्स ना होकर के क्या होते हैं ये एनिमल्स होते हैं और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उन, उन्होंने फ़ाइलम्स वगैरह पढ़े होंगे तो ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं ये फ़ाइलम नाइडेरिया, क्या लिख दिया मैंने कोरल्स जो है फाइलम, फाइलम या इसे फाइलम आ, सीलन ट्रेटा भी कहते हैं फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सीलन ट्रेटा सीलन को बिलोंग करते हैं कोरल्स जो हैं ठीक है इस फाइलम को बिलोंग करते हैं और ये क्या होते हैं ये एक तरह का एक हार्ड सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं जिसको कि एज अ जेम स्टोन है ना एक रत्न के तौर पे यूज किया जाता है इसका कलर कैसा होता है इस हार्ड सब्सटेंस का जिसको कोरल सिक्रीट करते हैं ये जो होता है ऑरेंज से पिंक के बीच इसका कलर होता है और ये कोरल्स जो होते हैं हमेशा कॉलोनीज में ग्रुप्स में यानी कि पाए जाते हैं ठीक और ये कौन सा पत्थर होता है जिसे हम हिंदी में मूंगा पत्थर कहते हैं आपने देखा होगा बहुत से लोग इसकी अंगूठी बनवा के पहनते हैं है ना तो पिंकिश ऑरेंज सा पत्थर होता है Uh, ना एकदम रेड होता है ना एकदम ऑरेंज होता है समथिंग इन बिटवीन पिंकिश ऑरेंज कह सकते हैं तो ये मूंगा पत्थर हमें किससे मिलता है नहीं कोरल से मिलता है और इनकी कॉलोनीज को क्या कहते हैं कोरल रीफ्स कहते हैं तो ये तो खैर बायोलॉजी आ गई चले वापस आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पर तो इसमें कहा गया है कि ये जो लैंग्वेज क्लासरूम है इनको ऊपरी तौर पर क्लासरूम कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करके नहीं समझा जा सकता है, है ना यानी कि अगर हम क्लासरूम कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी लैंग्वेज क्लासरूम को तो ये काफी नहीं है और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं इसमें कि ना ही तो ये बात प्रैक्टिकल है ना ही पॉसिबल है कि हम किसी टेक्स्ट के आइडिया को या उसकी थीम को सिर्फ भाषा को सीख कर समझ सके है ना यानी कि भले ही हमें ट्रांसलेशन आता है हमें लैंग्वेज आती है कि जिस लैंग्वेज में वो टेक्स्ट लिखा गया है बट लैंग्वेज आने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ लैंग्वेज से उस भाषा के तो, मतलब उस टेक्स्ट के थीम को या आइडिया को समझ सकेंगे जैसे कि आपको याद होगा छोटे क्लासेस में बहुत सी हिंदी कविताएं होती थी पोएम्स होती हैं और जो अभी भी जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट होगा उनको मालूम होगा जिनका हमें भावार्थ लिखना होता है है ना जिससे एक कवि मुझे हिंदी के याद आ रहे हैं फेमस पोएट मैथिली शरण गुप्त तो मैथिली शरण गुप्त की बहुत सी कविताएं हैं अक्सर होता था ना क्लास में टीचर्स आते थे एक्सप्लेन कर देते थे जो मेरी मैम थी मैं अपने ही चले एक्सपीरियंस बताती हूँ तो कविता एक्सप्लेन की थी मुझे कविता याद भी आ रही है मैथिली शरण गुप्त जी की वो पूरी तो ऑल दो मुझे नहीं याद एक लाइन याद है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में है ना तो ये कविता एक्सप्लेन कर दी जाती थी ब्रीफ में और फिर होमवर्क दे दिया जाता था कि इसका भावार्थ लिख के लाना है अब देखिए हिंदी हमारी अपनी भाषा है, है ना हमारी खुद की लैंग्वेज है बट स्टिल भावार्थ लिखने में पसीने छूट जाते थे राइट तो ऑल हमें भाषा का ज्ञान है समझ है बट स्टिल वही कह रहे हैं कि सिर्फ भाषा की नॉलेज होना काफ़ी नहीं है किसी टेक्स्ट के थीम को या आइडिया को समझने के लिए वो बात है ठीक है तो जैसे मैं लिखती थी मैं क्या करती थी सोच आजकल तो खैर गूगल वगैरह है इतनी सारी चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं बट उस टाइम पे नहीं था मेरे टाइम पे जब मैं सिक्स सेवन्थ ग्रेड में थी तब की बात बता रही हूँ आई थिंक सिक्स ग्रेड में मैंने ये पोएम पढ़ी थी चारू चंद्र की तो जो टीचर ने एक्सप्लेन किया प्लस जो बुक के पीछे जो वर्ड मीनिंग्स दिया होता था उसको देख के प्लस बार बार लाइन्स को रीड कर करके अपने आप को समझ समझ के उसका भावार्थ लिखने की कोशिश करती थी इस तरह से लिखती थी तो वही कह रहे हैं कि ऑल दो हिंदी हमारी भाषा है बट अगर हिंदी कविता का भी भावार्थ लिखना पड़े तो Uh, मतलब जब तक आपको लैंग्वेज की या उसकी मतलब लिटरेचर की साहित्य की समझ नहीं होगी आप उतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे अच्छा चले इस पोएम का मैंने नाम लिया है चारू चंद्र की चंचल किरणे तो इससे मुझे एक और बात जो है वो याद आ गई आ, ये बताएं ये मैं लिख भी रही हूँ चारू चंद्र की चंचल आई डोंट नो चंचल आई थिंक ऐसे ही लिखेंगे हिंदी में किरणें तो चारू चंद्र की चंचल किरणें इसमें देखें च च जो वर्ड है उसका कितना रिपीटन रे, हो रहा है ना बार बार रिपीट हो रहा है तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने साउंड पैटर्न्स एक्सप्लेन किया था तो बताइए ज़रा कि यहाँ पे जो है ये जहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ पर सेम लेटर या सेम कॉन्सोनेट साउंड रिपीट हो तो वो क्या कहलाता है मैं अगेन पॉज ले रही हूँ ताकि आप सोच के अपना आंसर दे सकें चले मैं बता देती हूं ज्यादा लंबा पॉज नहीं लूंगी अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा मैंने बताया था कि जहां पर सेम लेटर या सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो वो क्या कहलाता है इंग्लिश में एलिट्रेशन कहलाता है है ना ऑल दो ये तो हिंदी की लाइन है बट स्टिल मैं बता रही हूं कि ये क्या होता है एलिट्रेशन इसको हिंदी में कुछ और कहते होंगे तो ये क्या कहलाता है एलिट्रेशन कहलाता है तो अब आ जाए वापस अपने इस सब्जेक्ट पर तो मेटाफर ये जो मेटाफर से जो कंपेयर किया गया है तो क्लासरूम को आई मीन सॉरी मेटाफर से नहीं ये जो थर्ड मेटाफर था हमारा जिसमें कोरल से एक्सप्लेन किया गया था ना कोरल गार्डन से कंपेयर किया गया था तो वहां पे कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्लासरूम है ये किसकी तरह है ये कोरल्स की तरह है जहां पे इंडिविजुअल जो है कोई मतलब जो लर्नर है वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबके साथ में सीखता है है ना जिस तरह से कोरल रीफ्स अकेले नहीं बल्कि कॉलोनीज में पाए जाते हैं कोरल्स जो होते हैं उसी तरह क्लासरूम क्या है एक कम्युनिटी की तरह है जहां पर एक लर्नर जो है वो खुद नहीं सीखता बल्कि दूसरों की कंपनी में सीखता है ठीक है वीडियो गेन लेंदी हो गया आज का वीडियो मैं इतना ही रखती हूं इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और सारे प्ले मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग